दोस्तों अमेरिका में भाषण देते हुए पीएम मोदी ने अंग्रेजी में गलतियां की तो कांग्रेस वाले खूब मजे ले रहे हैं, और इसे लेकर बीजेपी कहती है कि ये देश का अपमान है। प्रधानमंत्री की अंग्रेजी का मजाक बनाना कांग्रेस ऐसा करके देश का अपमान कर रही है। सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार कहते हैं कि ये 90% उन भारतीयों का अपमान है जो फराटेदार अंग्रेजी बोलना नहीं जानते या अंग्रेजी बोलना नहीं जानते। लेकिन सुधीर चौधरी जैसे पत्रकारों को अब दर्द क्यों हुआ? जब पीएम मोदी उच्चारण को लेकर दूसरे नेताओं का मजाक उड़ाया करते थे, तब ये मुद्दा क्यों नहीं उठा कि जो लोग ठीक से हिंदी बोलना नहीं जानते, ठीक से हिंदी का उच्चारण करना नहीं जानते, ये उन भारतीयों का अपमान है। ऐसे भारतीयों की तादाद भी कम नहीं है। दक्षिण भारत में ज़्यादातर लोग ठीक से हिंदी बोलना नहीं जानते, और दक्षिण भारत छोड़िए, क्या बिहार के लोग भी बहुत सारे लोग ठीक से हिंदी बोलना जानते अच्छे उच्चारण के साथ? यूपी में भी बहुत सारे ऐसी पब्लिक है जो ठीक से हिंदी बोलना नहीं जानती। हरियाणा में भी ऐसी बहुत सारी पब्लिक है जो ठीक से हिंदी का उच्चारण नहीं कर सकती। हर किसी के उच्चारण में कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो किसी का भी मजाक उड़ाना, किसी भी भाषा के उच्चारण पर मजाक उड़ाना गलत है। लेकिन सुधीर चौधरी और बीजेपी नेताओं को दर्द इस बात पर क्यों हुआ कि पीएम मोदी का जब मजाक उड़ा गया अंग्रेजी को लेकर, लेकिन खुद पीएम कैसे राहुल गांधी का उच्चारण को लेकर मजाक उड़ाया करते थे, जरा देखिए ये वीडियो। कम से कम 5 बार श्रीमान विश्वेश्वरैया जी का नाम का उल्लेख 5 बार कर दीजिए। तो दोस्तों पीएम मोदी राहुल गांधी को चैलेंज दिया करते थे कि ऐसा उच्चारण करके दिखा दे, क्योंकि राहुल गांधी हिंदी में कई बार फंबल कर जाया करते थे। हालांकि ऐसे फंबल कई बार अमित शाह भी कर चुके हैं। बहुत सारे नेताओं से गलती हो जाती है, जुबान फिसल जाती है, हर किसी की उतनी पकड़ हर भाषा पर नहीं होती। राहुल गांधी जिस फराटेदार अंदाज में अंग्रेजी बोल सकते हैं, क्या पीएम मोदी बोल सकते हैं? पीएम मोदी जितनी अच्छी हिंदी बोलते हैं वो राहुल गांधी नहीं बोल सकते, ये एक सच्चाई है। तो भाषा को लेकर किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और राहुल गांधी की ऐसी ही गलतियों पर बीजेपी वाले उन्हें पप्पू बताते थे। तो भाषा को लेकर जिस खेल की शुरुआत पीएम मोदी ने की, बीजेपी ने की, आज उसी दवा का स्वाद खुद चखना पड़ रहा है, और इसीलिए पीएम मोदी की अंग्रेजी का भी मजाक बनाया जा रहा है। तो ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी नेता की अंग्रेजी या हिंदी में गलतियों पर मजाक बनाया गया हो। गलतियां हर किसी से होती हैं, और अगर भाषा के आधार पर आप किसी को पप्पू घोषित करोगे तो कहीं ना कहीं आपको भी उस मजाक का पात्र बनना पड़ सकता है, और पीएम मोदी को भी अंग्रेजी को लेकर शायद इसीलिए ट्रोल किया जा रहा है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप देखते रहे पब्लिक मीटर। नमस्कार।